क्या कोई आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट बता सकते हैं कि जहाँ पे सिलेक्शन हो जाए? तो यार मैं तुमको बिल्कुल क्लियर कहना चाहूँगा, कोई भी इंस्टीट्यूट तुम्हारे सिलेक्शन की गारंटी नहीं देगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट का काम है सिर्फ पढ़ाना, इंस्टीट्यूट का काम है सिर्फ पढ़ाना, कोई इंस्टीट्यूट तुम्हारे सिलेक्शन की गारंटी नहीं देगा। तो ये चीज़ तुम अच्छे से समझ लेना, जो सिलेक्शन होता है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यार कोचिंग का जो रोल होता है ना, कोचिंग का सिर्फ इतना रोल है 30%। और मैंने तुमको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, अगर तुम ITJEE की तैयारी कर रहे हो तो 70% सिलेक्शन में जो रोल होता है वो होता है तुम्हारी सेल्फ स्टडी का। तो इसलिए ध्यान रखना कि कोचिंग पर तुमको टोटली डिपेंड नहीं होना है। हेलो एंड वार्म वेलकम टू टूसा वाला JEE। सो गाइस, अगर तुम कानपुर में ITJEE कोचिंग करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आज के इस वीडियो में तुमको बताऊंगा किसी भी कोचिंग को सिलेक्ट करते समय तुमको किन किन चीज़ों को देखना है और किन चीज़ों को समझना है। क्योंकि देखो, अगर तुमने एक बेस्ट इंस्टीट्यूट फाइंड कर लिया तो डेफिनेटली वो तुम्हारे लाइफ को चेंज कर देगा, और अगर तुमने बेस्ट इंस्टीट्यूट फाइंड नहीं किया तो फिर तुम क्या प्रॉब्लम में आ जाओगे, और तुम्हारा जो टारगेट था IIT कॉलेज में एडमिशन लेने का, वो टारगेट तुम्हारा क्या अधूरा रह जाएगा। तो अगर तुमने टारगेट को पूरा करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखो और सारे पॉइंट को समझो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात ये आती है कि किसी इंस्टीट्यूट में अगर हमको एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले हम क्या देखें। तो देखो, किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले तुम ये चेक करो कि उस इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन हमको क्यों करना है, क्या ऐसा रीजन है कि हम सिलेक्ट करें। तो देखो, किसी भी कोचिंग का सिलेक्शन चेक करने के लिए कि भाई हम उस कोचिंग में पढ़ें कि ना पढ़ें, ये चेक करने के लिए पहले तुम देखो डी मीन्स डिग्री। तो तुमको तीन चीज़ देखना है, पहला देखना है डी, दूसरा देखना है ई, और तीसरा देखना है एस। डी ई एस क्या है? डी फॉर डिग्री एंड ई फॉर एक्सपीरियंस। तुमको ये चेक करना है कि उस इंस्टीट्यूट को कुछ एक्सपीरियंस है या नहीं, एंड एज फॉर सिलेक्शन कि उसके जो सिलेक्शन है पास्ट ईयर्स में वो कैसे रहे हैं, क्या उसने सिर्फ 2-3 सिलेक्शन दिए हैं या उसने मेजॉरिटी में सिलेक्शन दिए, 100, 200, 300 स्टार सिलेक्शन दिए। तो तुमको क्या देखना है कि यार डिग्री होनी चाहिए एक अच्छे लेवल पे, ये नहीं कि यार कुछ भी डिग्री लिए बैठे हो। कई इंस्टीट्यूट हैं यार कानपुर में जो चल रहे हैं जिनके पास IIT की डिग्री है, कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं। तो यार एटलीस्ट तुम ये देखो, कोई भाई इंस्टीट्यूट चल रहा है तो यार वहाँ पे जो फैकल्टी वगैरह यार उनके पास IIT का डिग्री हो या NIT का डिग्री हो, या फिर अगर कोई डिग्री है तो अगर किसी ने कुछ ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है तो यार ऑनर्स में हो उनका। तो ये सब चीज़ तुमको एटलीस्ट देखना है। और यार फिर नेक्स्ट तुमको देखना है एक्सपीरियंस, क्या वो इंस्टीट्यूट कुछ सालों को लिए चल चुका है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंस्टीट्यूट बिल्कुल नया है। अगर देखो नया इंस्टीट्यूट होगा तो उसके पास एक्सपीरियंस बहुत कम होगा और फिर वहाँ से सिलेक्शन के चांसेस के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए तुमको क्या देखना है, एक्सपीरियंस भी तुम्हारे लिए क्या मैटर करता है, एंड सिलेक्शन जो एक इंस्टीट्यूट की पहचान होती है। अगर सिलेक्शन है तो तुमको एडमिशन ज़रूर लेना है, और सिलेक्शन नहीं है तो एडमिशन को तुम अवॉइड करो पूरी तरीके से। सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सिलेक्शन को ज़रूर देखो कि सिलेक्शन उसने पास्ट टर्म में कितना दिया है। अब बात आती है भाई कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सी फैकल्टी है। तो यार मैं तुमसे बस यही कहूँगा कि यार यहाँ पर मैं तुमको कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यार बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो यार मैं किसी पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट का तुमको मैं यहाँ नाम नहीं बता रहा हूँ, बट मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट तुम कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। अब यार तुम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। एंड यार अगर मैं तुमसे कोर्सेज की बात करूँ तो यार कोर्सेज तुमको सारे मिल जाएंगे, फाउंडेशन का मिल जाएगा, IIT JEE का मिल जाएगा, 11-12 का भी मिल जाएगा, तुमको ड्रॉपर बैच भी मिल जाएगा। एंड यार अगर मैं तुमसे बात करूँ कि जो कानपुर में काकादेव में जो कोचिंग्स हैं तुम्हारी, उनका फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहता है, तो यार फ़ी स्ट्रक्चर क्या है वेरी करता है, हर कोचिंग का एक अपने अकॉर्डिंग फ़ी स्ट्रक्चर है। तो यार अगर मैं तुमको एक नॉर्मल बात बताऊँ तो यार तुम ये मान के चलो 40-50 हज़ार रुपये क्या है तुम्हारी मिनिमम फ़ीस रहती है 1 ईयर की, ये तुम्हारी क्या मिनिमम फ़ीस रहती है 1 ईयर की। और यार अगर इंस्टीट्यूट और भी बेस्ट हैं तो यार ये फ़ीस तुम्हारी क्या है 1 लाख प्लस भी चली जाती है। तो ये चीज़ तुमको ध्यान रखनी है कि अगर तुमको बेस्ट इंस्टीट्यूट की तरफ जा रहे हो तो यार तुम्हारी फ़ीस क्या है 1 लाख प्लस भी चली जाती है। तो ये चीज़ तुमको अच्छे से ध्यान रखनी है कि फ़ीस वेरिएबल होती है। और यार काफ़ी इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो तुमको क्या स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और तुम स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू अपनी जो फीस है उसको क्या रिड्यूस भी करवा सकते हो। तो ओवरऑल तुमको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो फीस है वो वेरिएबल है, वो चेंज होती रहती है, और
अगर तुम फीस को अपनी कम करवाना चाहते हो तो डेफिनेटली तुमको क्या स्कॉलरशिप टेस्ट कैश जरूर देना चाहिए। तुम यार कोई भी स्टूडेंट की बात कर लो, तुम आकाश की बात कर लो, तुम कारण शुक्ला की बात कर लो, यार ये सब लोग क्या स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं। तुम रेजिडेंस की बात कर लो, तुम और भी स्टूडेंट कोई भी उठा लो यार, तुम PW की बात कर लो, ये सब लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तुम जब भी एक स्टूडेंट चूज कर रहे हो तो एटलीस्ट यार जो मैं फैक्टर्स तुमको बता रहा हूँ उनको तुम क्या जरूर और जरूर देखना। तो ओवरऑल तुमको मैंने एक चीज़ ये अच्छे से समझाई कि अगर तुमको अपनी फीस वगैरह रिड्यूस करवानी है तो तुमको यार स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू जरूर जाना चाहिए। और यार अगर इसमें तुमको मेरी किसी भी प्रकार से हेल्प चाहिए तो यार तुमको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, तो तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर गूगल फॉर्म के लिंक को क्या है फिल कर सकते हो। और यार तुमको मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि काफ़ी बच्चे एक चीज़ और पूछते हैं कि सर क्या सिलेक्शन की गारंटी है किसी इंस्टीट्यूट में? क्या कोई आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट बता सकते हैं कि जहाँ पे सिलेक्शन हो जाए? तो यार मैं तुमको बिल्कुल क्लियर कहना चाहूँगा, कोई भी इंस्टीट्यूट तुम्हारे सिलेक्शन की गारंटी नहीं देगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट का काम है सिर्फ पढ़ाना, इंस्टीट्यूट का काम है सिर्फ पढ़ाना, कोई इंस्टीट्यूट तुम्हारे सिलेक्शन की गारंटी नहीं देगा। तो ये चीज़ तुम अच्छे समझ लेना, जो सिलेक्शन होता है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यार कोचिंग का जो रोल होता है ना, कोचिंग का सिर्फ इतना रोल है 30%। और मैंने तुमको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, अगर तुम ITJ की तैयारी कर रहे हो तो 70% सिलेक्शन में जो रोल होता है वो होता है तुम्हारी सेल्फ स्टडी का। तो इसलिए ध्यान रखना कि कोचिंग पर तुमको टोटली डिपेंड नहीं होना है, तुमको सिर्फ एक चीज़ ये ध्यान रखना है, कोचिंग से तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, तुमको समझाएगी ये करना कैसे है, पढ़ना कैसे है, तुमको क्वेश्चंस करवाएगी, लेकिन उसके बाद ये जो सेल्फ स्टडी नामक शब्द है ये अगर तुम भूल गए तो तुम्हारे साथ समस्या हो जाएगी। तो यार ध्यान रखना कि सिलेक्शन की कोई गारंटी कोई स्टूडेंट नहीं प्रोवाइड करता है, और कोई एक तुम्हारे पास ऐसा बंदा भी नहीं होगा कि जो तुमसे कहते भैया इसमें ले लो एडमिशन तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि अपने ऊपर वर्क करना, अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करना। एंड ये लास्ट वर्ड मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूँगा, मेरा सजेशन क्या अबाउट द कोचिंग। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर तुम किसी भी कोचिंग को चूज कर रहे हो तो एटलीस्ट जो भी लोगों को तुम जानते हो, जिन लोगों ने कोचिंग कर रखी हो, जो जिन पे तुमको ट्रस्ट हो, एक बार उनसे बात करो कि भाई वो लोग क्या बता रहे हैं कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है। फिर एक बार तुम हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो गूगल फॉर्म के साथ। उसके बाद तुम क्या है, जो भी तुम्हारे जो सीनियर्स वगैरह हों उनसे पता करो, एक बार काका देव में जाके चेक करो कि भाई कौन सा स्टूडेंट सही है, और ये सब चेक करने के बाद फिर तुम क्या है एडमिशन लो। इससे तुम्हारे मन में ये डाउट नहीं रहेगा कि यार कहीं मैं गलत कोचिंग में तो नहीं चला गया, क्या मैं सही कोचिंग में बैठा हूँ कि नहीं। तो ये जो समस्याएँ होती हैं वो समस्याएँ तुम्हारे साथ नहीं होंगी, और तुम अच्छे से अपनी स्टडी फोकस कर पाओगे। और यार तुम्हारा कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो तुम नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ITJ की फ्री क्लासेस तुमको मैं चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो अच्छे से तैयारी करते रहो, और कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछते रहो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।